आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दुर्गेश पांडे हस्तरेखा ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा में कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो बतलाती हैं कि विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा और उसका भाग्य चमक जाएगा, वह धन दौलत प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य प्राप्त करेगा इत्यादि। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और तर्कपूर्ण चर्चा करेंगे कि क्यों, कैसे और कब आपका भाग्य बदल जाएगा विवाह के बाद। देखिए, किसी भी व्यक्ति की हथेली हो, चाहे जिस प्रकार की हथेली हो, उस हथेली में जो विवाह रेखा होती है वह बुध पर्वत पर होती है। ये पर्वत हमारा बुध होता है और इसी पर विवाह रेखाएं होती हैं। विवाह रेखाएं भी कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ अच्छी, एक दो इत्यादि रूप में हो सकती हैं। तो स्पष्ट रूप से विवाह रेखा तो हथेली में होना ही चाहिए। उसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के हथेली में जो भाग्य रेखा होती है, यहाँ मणिबंध के आसपास से शनि पर्वत तक जो जाती है, इस भाग्य रेखा में अगर चंद्र पर्वत से, यह पर्वत हमारा चंद्र पर्वत होता है, इस पर्वत से यदि कोई प्रभावशाली रेखा जाके इस भाग्य रेखा में मिल जाती है इस तरह से, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद पूरी तरीके से बदल जाएगा, चमक जाएगा, अथाह धन संपत्ति प्रदान प्राप्त करेगा व्यक्ति। ऐसे कह सकते हैं कि उसका विवाह जो होगा वह धन प्रदाता सिद्ध होगा, अर्थात उसको काफ़ी धन दौलत प्राप्त होगा, बहुत यश मान सम्मान भी प्राप्त होगा। तो किसी भी व्यक्ति की हस्तरेखा में इस प्रकार की रेखा होना, एक प्रभावशाली चंद्र पर्वत से रेखा निकल कर भाग्य रेखा में मिलना बहुत ही शुभ है और वह अत्यंत धन प्राप्ति विवाह के बाद बतलाता है, या विवाह होते ही उस व्यक्ति की नौकरी चाकरी धन दौलत मान सम्मान लोकप्रियता में इजाफा होना बतलाता है। चर्चा यहीं पर करेंगे कि यदि उस व्यक्ति की भाग्य रेखा थोड़ी सी चंद्र पर्वत के पास होगी, जिसकी भी हथेली में ऐसा हो, चंद्र पर्वत के पास मतलब जीवन रेखा से थोड़ा सा दूर हो इस तरह से, तो यदि ऐसा हो और फिर उसी चंद्र पर्वत से कोई प्रभावशाली रेखा व्यक्ति के भाग्य रेखा में इस तरह से जाकर जुड़ जाए, तो माना जाता है कि अब की बार और प्रभावशालीता बढ़ जाएगी, मतलब अब विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन और सफल माना जाएगा और सक्सेस प्राप्त करेगा और मान सम्मान धन वैभव श्री लक्ष्मी प्राप्त करेगा, व्यक्ति के भाग्य में आएगा और ऐसा विवाह के बाद होगा या विवाह होते ही हो जाए। ये जानकारी ये आपकी बहुत अहम है। यदि ये प्रभावशालिता की रेखा जो हमने अभी ड्रॉ किया चंद्र पर्वत से, यदि ये अच्छी है, काफ़ी जो कहते हैं बारीक हो, साफ सुथरी हो, अगर ऐसा हो और भाग्य रेखा में मिली हो, तो जिस व्यक्ति से विवाह होता है वह काफ़ी प्रभावशाली होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, धनी भी होता है और कई प्रकार के गुण रहस्यों का मालिक भी होता है, कह सकते हैं विद्वता भी हो सकता है उसके अंदर, कुल मिलाकर बहुत ही शुभ होता है, वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है जिससे विवाह आपका होता है। और ये हथेली में रेखा होना मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए बातें लागू होती हैं और पुरुषों के लिए बातें भी लागू होती हैं। शर्त क्या है कि विवाह रेखा साफ सुथरी कम से कम हो एकाध, जिसके कारण ऐसा फल आपको प्राप्त होगा। यहीं पर बता दें कि ये दो योग तो होते ही हैं भाग्य चमकाने के लिए, या कह सकते हैं विवाह के बाद भाग्य चमकाने के लिए। एक योग और होता है कि यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा स्पष्ट रूप से निकल कर यहाँ जो सूर्य रेखा होती है इसमें टच हो जाए इस प्रकार से, तो माना जाता है कि यह इस व्यक्ति का भाग्य और चमकेगा, यानी सूर्य रेखा में विवाह रेखा का टच हो जाना यह बतलाता है कि व्यक्ति विवाह के बाद बहुत नामी होगा, बहुत ही सफलता प्रसिद्धि हासिल करेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी नामी व्यक्ति से उस व्यक्ति का विवाह हो, महिला का पुरुष से और पुरुष का महिला से विवाह हो। अन्य कुल मिलाकर यदि ये विवाह रेखा जाके टच होती है सूर्य रेखा से, तो बहुत ही शुभ है और कह सकते हैं कि बहुत धन संपत्ति और मान सम्मान सफलता प्रकट होती है। इन दोनों बातों को आपसे हम बताए हैं, विवाह के बाद भाग्य चमकने के लिए ऐसा होता है या विवाह होते ही भाग्य चमके। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक बात और मैं खास तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये सारे लक्षण आपके हथेली में नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं हस्तरेखा में जो विवाह के बाद भाग्योदय का संकेत करते हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई दिक्कत नहीं। उन जानकारियों को भी मैं कलेक्ट करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जिन व्यक्तियों की हस्तरेखा में ऐसा ना हो, हो सकता है उनकी कुंडली में हो कि उनके लक्ष्मी वृद्धि धन वृद्धि भाग्य चमकेगा ये विवाह के बाद हो, ऐसा कुंडली में लिखा हो तो भी अच्छी बात है, कुंडली में हो या हस्तरेखा में हो दोनों में बहुत शुभ बात है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके हथेली में और लक्षण हो जो बताते हैं विवाह के बाद धन संपदा आएगी, तो बिल्कुल परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन दबा लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपकी हथेली में है तो क्या फल हुआ, क्या नहीं हुआ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टाइम होने पर हम जवाब भी देंगे, हस्तरेखा भी देख सकते हैं टाइम होने पर, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग हस्तरेखा गुरु एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।